जानते हैं कि परीक्षा में निबंध लिखना आता है, कक्षा 9th में भी निबंध लेखन आएगा और 10th के लिए भी ये तैयारी करना ज़रूरी है। अगर 9th में आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो 10th में आपको निबंध लिखने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले अच्छे से जो है दिए गए शीर्षक का अध्ययन कर लीजिए, जो आपको जिस पर निबंध दिया गया है शीर्षक पर लिखने के लिए, सबसे पहले आप गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन कर लीजिए कि क्या ये निबंध जो है आपको अच्छे से, चॉइस भी मिलती है आपको, 2 या 3 चॉइस मिलती हैं जिस पर एक पे निबंध लिखना होता है, तो आप ये देख लीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे अच्छे से पहले निबंध लिखना आता है। उसके बाद आप जो है परीक्षा में संकेत बिंदुओं को समझ लीजिए। परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं निबंध से संबंधित, उसमें कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं, तो उनका भी आपको पहले ध्यान से उन्हें पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप तैयार कीजिए निबंध की रूपरेखा। निबंध की रूपरेखा निबंध लिखने से पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए, उसके बाद निबंध लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। एक और चीज़ आती है जिसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए निबंध लिखने में। क्रमबद्धता का मतलब है कि विषय केंद्रित होकर विषय वस्तु को क्रम से प्रस्तुत किया जाए, यानी कि ये नहीं है कि पहले आप एक दूसरी बात बता रहे हैं, फिर चौथी बात बता रहे हैं, तो फिर दूसरी बात, ये मतलब सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिकली आपको निबंध लिखना है, ऐसा करने से विचारों में बिखराव नहीं आएगा। तीसरी बात आती है कि आप निबंध के लिए एक अच्छे शब्दों का चयन करके चलें, साथ ही अपनी भाषा शैली को सुधारें। जो हमारी डेली प्रतिदिन की भाषा है उसका प्रयोग ना करें, और अच्छे निबंध के लिए एक अच्छी हिंदी, जिसे शुद्ध हिंदी कहा जाता है, और इस तरह से आप उस भाषा शैली का चयन करेंगे तो आपके जो निबंध हैं वो बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे, सामने उभर कर आएंगे। उसके बाद आती है आपकी शब्द सीमा। शब्द सीमा परीक्षा में पूछे गए जो आपको शब्द दिए गए हैं 200 या 250 या जो भी आपकी सीमा है, उसका आपको पालन करना होता है। निबंध ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग। मुहावरे और सूक्ति जो हैं वो कुछ सूक्तियाँ या मुहावरे या महापुरुषों के कथन हैं, इनका प्रयोग आप अपनी आवश्यकतानुसार अपने निबंध में कर सकते हैं। और उपसंहार और निष्कर्ष जो है निबंध का अंतिम चरण होता है। निबंध का अंत उपयुक्त और प्रभावी सारांश द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन जो आप लिखेंगे वो पूरे निबंध के बारे में सारांश होना चाहिए, कि जो आपने पहले के निबंध में बताया है उसे वो संक्षिप्त में पूरा प्रस्तुत कर दे। और आपके निबंध का पूरा सारांश इस जो आपका उपसंहार है उसको पढ़ कर ही समझ में आ जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि निबंध लिखने के लिए कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। निबंध को उचित प्रकार से अनुच्छेद में बांट करके विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्यों में और सरल शब्दों में लिखना चाहिए। एक और चीज़ है कि आप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का उचित स्थान पर और उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए निबंध लिखें। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करके सरल भाषा का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि जो संकेत बिंदु परीक्षा में दिए हैं उनका पालन आप उचित प्रकार से करें। निबंध में प्रयोग किए जा रहे शब्दों में सजीवता सहजता का गुण होना चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। निबंध लेखन में लंबी कहानियाँ या विवरण नहीं देना चाहिए। अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। उचित स्थान पर संदर्भ और कथन दे सकते हैं, कोट्स दे सकते हैं। अप्रासंगिक संदर्भों के प्रयोग से बचना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको निबंध में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए निबंध लेखन जो है, जो भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम होता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, या आपके टेंथ का एग्ज़ाम देख लीजिए, नाइन्थ का एग्ज़ाम देख लीजिए, आरएएस देख लीजिए, आईएएस देख लीजिए, तो निबंध एक ऐसा मार्क्स के लिए एक चीज़ है जो सीखना बहुत ज़रूरी है मार्क्स गेन करने के लिए। अगर आप निबंध पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो मैंने आपको जो 8 तरीके बताए हैं, चरणबद्ध तरीके बताए हैं, इनका आप अक्षरशः पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको निबंध में पूरे मार्क्स लाने से मेरी गारंटी है कोई नहीं रोक सकता है। आप देखिए ये करके तरीका, मैंने संस्कृत में 100 में से 100 मार्क्स गेन किए हुए हैं इसी तरीके को यूज़ करके। जब हमें संस्कृत का निबंध लिखना होता था बीए में, तब की बात बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से निबंध लिखिए और आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह के टॉपिक अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके, और आप इन टॉपिक्स को शेयर भी करते रहिए ताकि ये नॉलेज जो है वो आगे आगे बढ़ती जाए, और लोगों को बताने से नॉलेज बढ़ती है फ्रेंड्स, कम नहीं होती है। तो आप इस तरह की जानकारी जो है औरों को भी बताइए, आप खुद भी इस पे प्रयोग करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपको कुछ पढ़ना है तो भी मुझे बताइए, मैं